एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और अभी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स के बारे में जानेंगे। थर्मोमीटर्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप उसको देख लेंगे तभी आप थर्मोमीटर्स को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो थर्मोमीटर्स में जो सबसे पहला थर्मोमीटर है उसका नाम है लिक्विड थर्मोमीटर। इसमें लिक्विड में मरकरी यूज होता है, इसलिए इसे मरकरी थर्मोमीटर भी कह देते हैं, ठीक है। अब मरकरी ही क्यों यूज होता है, दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चन आना चाहिए, और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें चेकअप की जरूरत है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो मतलब ये है कि पढ़ाई में कुछ गड़बड़ चल रही है, इस बात को याद रखिएगा। तो मरकरी क्यों यूज़ करते हैं, तो देखिए इसके बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है। कुल तीन रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला रीज़न है, एक तो इसकी स्पेसिफिक हीट लो होती है, और थर्मल कंडक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, ये याद रखने वाली बात है। तो इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके स्पेसिफिक हीट लो होती है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है कि इसमें लार्ज एक्सपेंशन होता है, लार्ज एक्सपेंशन, और लार्ज भी होता है और यूनिफॉर्म भी होता है, ये भी याद रखिएगा। मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब ये है कि भाई जैसे आप टेम्परेचर नापना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेरिएशन हुआ हीट में, यानी कि किसी का तापमान बढ़ा हुआ है, आपने उससे टच कराया, तो मरकरी जो है वो आसानी से ऊपर की ओर चढ़ जाएगा और आपको रीडिंग मिल जाएगी। तो यही फायदा है लार्ज एक्सपेंशन, और यूनिफॉर्म एक्सपेंशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली ऊपर बढ़ेगा, बात समझिएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ेगा तो रीडिंग सही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखता है, इसी वजह से हम मरकरी का यूज़ करते हैं। अब देखिए मरकरी थर्मोमीटर के बारे में और क्या जान सकते हैं, एक बात और जान सकते हैं, इसकी रेंज क्या होती है ना। तो रेंज होती है -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ कि इस क्षमता को बढ़ाया भी जा सकता है। इस क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर वो जो थर्मोमीटर होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाए, है ना, नाइट्रोजन गैस भर दी जाए और मरकरी जो है वो अंडर प्रेशर आ जाए, मरकरी को अंडर प्रेशर रखा जाए, तो क्या होता है ना कि रेंज जो है, जो रेंज है ना वो -50 से लेकर 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती। और ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर पर, जब अंडर मरकरी जब अंडर प्रेशर में होता है तो भाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए और कुछ सीख लेते हैं इसके बारे में, देखिए क्या सीखा जा सकता है। देखिए इसमें सीखने के लिए और क्या है, इसमें सीखने के लिए है कि दो प्रकार के, जनरली दो प्रकार के लिक्विड थर्मोमीटर होते हैं। देखिए एक होता है ऐसे थर्मोमीटर बनता है और उसके नीचे आपको याद होगा ऐसे करके सिलिंड्रिकल सी नॉब होती है, ठीक है, और एक होता है ये जिसमें नीचे की ओर स्फेरिकल सी नॉब होती है, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, ये मैं इस पे ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन बना दूंगा तो आपको शायद अच्छा देखने में लगेगा, पर समझ में आने के लिए तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो सिलिंड्रिकल टाइप का जो होता है ना, इसकी सेंसिटिविटी ना वो ज़्यादा अच्छी होती है, इट इज़ मोर सेंसिटिव देन
स्फेरिकल वन, सिलेंड्रिकल वन इज मोर सेंसिटिव देन स्फेरिकल वन, याद रखिएगा। और क्या जान सकते हैं, और जान सकते हैं कि भाई अगर मरकरी का यूज ना करते और अल्कोहल का यूज करते तो क्या होता। तो देखिए अल्कोहल का जब यूज करते तो जो रेंज है ना, अगर रेंज जो है वो -80 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती, यानी कि आपका जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो नीचे चला जाता, बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मतलब जो नीचे का टेम्परेचर है वो ज़्यादा नीचे चला जाता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इस वाले वीडियो में हम आपको एक फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे, ठीक है, एक फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे कि हर एक जो थर्मोमीटर होता है उसकी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, हर थर्मोमीटर की एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो लिक्विड थर्मोमीटर की जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है लेंथ, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो लंबाई, है ना, हिंदी में कहें तो लंबाई, आप सभी को पता है वैसे तो, ठीक है। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी याद आ गया, जो अभी हमने जीरोथ लॉ में पढ़ी थी, बहुत ज़रूरी है। तो इस थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है लेंथ। इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए जब आप सेल्सियस स्केल पे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप सेल्सियस स्केल पे लेंगे तो टी ज़ीरो बराबर आएगा ए इंटू एल ज़ीरो, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है कि जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करती है, पीछे आप देख भी सकते हैं। तो जब टेम्परेचर टी ज़ीरो होगा तब लेंथ एल ज़ीरो होगी, जब टेम्परेचर टी हंड्रेड होगा लेंथ हंड्रेड होगी। और मान लीजिए कि हमें कोई टेम्परेचर टी का पता लगाना है तो हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर कितना होगा ए इंटू एल, ठीक है। अब देखिए इससे फॉर्मूला बन जाएगा, इससे फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, जो हमने पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला देखा था ना, दी गई रीडिंग, तो दी गई रीडिंग क्या है टी माइनस लोअर रीडिंग अपॉन हायर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग बराबर किसके होगा, ध्यान दीजिए बराबर किसके होगा, जो दी गई लेंथ है एल माइनस छोटी वैल्यू माइनस अपर वैल्यू, फिर से माइनस में लोअर वैल्यू, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये बात आपको कैसे समझ में आ रही, देखिए टी ज़ीरो किसके बराबर है, यहाँ देखो टी बराबर है ए एल, तो यहाँ पे एल लिख दिया, ए ऊपर नीचे तो कट जाएगा ना, सिंपल ए तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा टी ज़ीरो, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो टी ज़ीरो कितना होगा ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना होगा हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितना होगा ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो सारी वैल्यूज रख देंगे तो टी माइनस ज़ीरो अपॉन हंड्रेड माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू एल माइनस एल ज़ीरो अपॉन एल हंड्रेड माइनस एल ज़ीरो, यानी टी इक्वल्स टू आएगा एल माइनस एल ज़ीरो अपॉन एल हंड्रेड माइनस एल ज़ीरो इंटू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड, ये फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप टेम्परेचर पता कर सकते हैं, होगा क्या, एल ज़ीरो आपको नोन है, एल हंड्रेड आपको नोन है, एल आपको टेम्परेचर वेरिएशन दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर वेरिएशन आपको दिखाई देगा, लेंथ में वेरिएशन आपको दिखाई देगा टेम्परेचर के कारण, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, लेंथ में वेरिएशन दिखाई देगा टेम्परेचर के कारण, उसको यहाँ पर रख देंगे, गुणा भाग कर लेंगे, टी का मान आ जाएगा कि भाई दूसरी चीज़ का टेम्परेचर कितना है। तो ऐसे जो है जीरोथ लॉ काम आता है टेम्परेचर निकालने के, ठीक है। अब इस वाले थर्मोमीटर की वैल्यू, मतलब वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, पर परेशान होने की बात नहीं है कि अगले सालों में आपको मुझे ये फॉर्मूला बनाना सिखाना नहीं है। देखिए डायरेक्टली लिखा देना मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं समझा देता हूँ कि भाई देखो कैसे फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला देख लो, नहीं देखना है तो वीडियो बढ़ा के देख लो, कुछ कर तो सकते नहीं है, है ना, कर बस इतना सकते हैं कि अच्छा बता सकते हैं, ठीक है।
अब आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे की बातचीत कर लेते हैं। आगे की बातचीत ये है कि एक फार्मूला तो ये बन गया, लेकिन मैंने तो दो फार्मूले बनाना सिखाया था, तो देखिए दूसरा फार्मूला भी बन जाएगा। ध्यान दीजिए, दूसरा फार्मूला पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं तो वहाँ पे क्या था, t इक्वल्स टू 273.16 और यहाँ पे क्या था, x अपॉन एक्स टी आर, याद आ गया, यही फार्मूला था ना। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, लेंथ, तो रख देते हैं t इक्वल्स टू 273.16। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, L, नीचे क्या आएगा, L इंटू टी आर, यानी ट्रिपल पॉइंट पर लंबाई, ठीक है। ये वेरिएशन आपको दिखाई देगा, गुणा भाग कर लेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। ये आ गया आपका ट्रिपल पॉइंट पर ये केल्विन में आएगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा थर्मोमीटर देखते हैं, गैस थर्मोमीटर। ये दो प्रकार का होता है, गैस थर्मोमीटर दो प्रकार का होता है। पहला होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, और दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। आगे यही लिखना है, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, ठीक है, ध्यान लीजिएगा, लिख दे रहे हैं। आगे थर्मोमीटर अपने आप लगा लीजिएगा। अब देखिए दोनों को आमने सामने क्यों लिख दिया, जिससे आपको याद रहे कि किसमें क्या है। देखिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर प्रेशर के साथ वेरी करेगा, यानी कि क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो वेरी करेगा नहीं, तो टेम्परेचर किसके हिसाब से वेरी करेगा, प्रेशर के हिसाब से। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, तो टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, वॉल्यूम के हिसाब से। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर इसमें क्या है, प्रेशर है यहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, और वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम यहाँ पर है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ज़्यादा ज़रूरी बात यही जाननी थी कि भैया इसमें जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर है, इसमें वॉल्यूम है, और कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसमें कांस्टेंट प्रेशर है। दूसरी बात यह है कि जो ये गैस थर्मोमीटर होते हैं ना, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर जो भी होते हैं, ये जो हैं वो लिक्विड थर्मोमीटर से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मोमीटर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो तीसरी चीज देखिए क्या है, तीसरी चीज ये है कि इसमें फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए अब की बार फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि पिछले वाले में सब कुछ समझा चुके हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई टेम्परेचर टी निकालना है, तो टी बराबर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है इसमें पी, है ना, प्रेशर। तो प्रेशर, तो यहाँ पे जो प्रेशर आता है, यानी जो आपको थर्मोमीटर में दिखाई देगा, यहाँ पे पी ज़ीरो अपॉन पी हंड्रेड माइनस पी ज़ीरो इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे पिछले वाले में निकला था। दूसरा फार्मूला कैसे बनेगा, T इक्वल्स टू 273.16 यहाँ पर P बाई पी टी आर, याद आ गया। तो दोनों फार्मूले हमने बना लिए। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप इसके फॉर्मूले, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर गैस के फॉर्मूले अपने आप लिख लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ पे V नॉट हो जाएगा, यहाँ पे V 100 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, देखिए एक बार फिर से पढ़ के बता रहा हूँ, P टेम्परेचर T पर प्रेशर, P नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर, P 100 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर, ठीक है। ऐसे ही आप कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर के फॉर्मूले निकाल लेंगे। अब चलिए अगली चीज़ आपको बताते हैं कि इनकी रेंज क्या होती है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं कि इनकी रेंज क्या होती है। ये सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3। पहला हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर, लिख देता हूँ गैस थर्मोमीटर। दूसरा नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर, और तीसरा होता है हीलियम गैस थर्मोमीटर। ठीक है, रेंज समझ लेते हैं। रेंज देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे तीन नाम लिखे हुए हैं। पहला है हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर, दूसरा है नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर, और तीसरा है हीलियम गैस थर्मोमीटर। ठीक है, ये हीलियम लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर का देख लेते हैं, होता है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रेंज की बात हो रही है, रेंज की। यहाँ पर रेंज होती है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1600 लिखा हुआ है, 1600। तीसरा हीलियम होता है -268 से, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, -268 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जो पहला वाला था। ठीक, तो ये तीन प्रकार के, अधिकतर ये तीन प्रकार के पाए जाते हैं, और इनकी रेंज जो है वो आपके सामने लिखी हुई है अभी अभी। तो चलिए अब अगले प्रकार के थर्मोमीटर को देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगले प्रकार का थर्मोमीटर कौन सा है। अगले प्रकार का थर्मोमीटर होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ध्यान दीजिएगा। तो ये नेक्स्ट टाइप का थर्मोमीटर है, अभी तक तीसरे प्रकार का, पहला था लिक्विड, दूसरा था गैस, तीसरा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में हम प्रयोग करते हैं प्लैटिनम का। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में हम प्लैटिनम का यूज़ करते हैं, और इसमें जो है जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस, इसीलिए नाम ही रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। प्रयोग करते हैं प्लैटिनम का, होता क्या है ध्यान दीजिए, प्लैटिनम का प्रयोग करते क्यों पहले ये समझ लेते हैं। प्लैटिनम का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इस वजह से, एक वजह तो ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, एक और वजह है क्योंकि इसका कोफिशियंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशियंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो भी बहुत हाई होता है। ठीक, तो दो चीज़ें हैं प्लैटिनम को यूज़ करने की वजह, पहली वजह है हाई मेल्टिंग पॉइंट, दूसरी वजह है कोफिशियंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है, यानी हाई कोफिशियंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में टेम्परेचर जो है वो एक फार्मूला होता है, उसके हिसाब से वेरी करता है। इस फार्मूले को जान लीजिए, फार्मूला होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, है ना, ये टी को कैपिटल टी लिख दीजिए या डेल्टा टी लिख लीजिए तो उससे आपको याद रहेगा, इट इज़ डेल्टा टी। एक्चुअली क्या है ना, अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा यहाँ पे है रेजिस्टेंस कोफिशियंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, कोफिशियंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, और आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में प्लैटिनम का प्रयोग करते हैं बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई कोफिशिएंट ऑफ
थर्मल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, आर नॉट इक्वल टू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ पर क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, और आर नॉट क्या है रेजिस्टेंस एट 0°C. चलिए इसके भी फॉर्मूले बना लेते हैं और इसकी भी रेंज देख लेते हैं। अब फॉर्मूले तो बार बार बनाने तो नहीं चाहिए पर मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट समझना आपका काम है क्योंकि पीछे आपको सब कुछ समझाया जा चुका है, ठीक है। तो देखिए फिर से भाई, टी इक्वल टू क्या आएगा, आर माइनस आर नॉट अपॉन आर हंड्रेड माइनस आर जीरो इंटू 100°C। ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। केल्विन वाला भी लिख देते हैं, टी इक्वल्स टू 273.16, टी के बराबर में यहाँ पे आर आएगा और नीचे आर इंटू टी आर आएगा। याद आ गया, सब याद होगा आपको, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो जो हमारा अगला थर्मोमीटर है उसका नाम है थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये थर्मोकपल भी कहलाता है, याद रखिएगा। और इसकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो होती है ईएमएफ, ये याद रखिएगा। ईएमएफ जो है वो इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये किस इफेक्ट पे काम करता है, ये सीबेक इफेक्ट पे काम करता है, ये सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। और क्या जान सकते हैं, एक्चुअली देखिए वैसे तो ये थोड़ा सा हायर लेवल पे जा रहा है पर हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जानकारी अधूरी जो है वो ज़्यादा डेंजरस होती है, इसलिए पूरी जानकारी ही ले लेना ज़रूरी है। तो इसमें होता क्या है, देखिए सीबेक इफेक्ट में क्या होता है ना कि दो मेटल के वायर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दो मेटल के वायर ले लेते हैं और उससे एक सर्किट बना लेते हैं। जैसे ये वाला वायर ले लिया सी यू का और एक दूसरा वायर ले लिया ये आपका, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, दूसरा वायर ले लिया आयरन का, ठीक है। तो करते क्या हैं, ध्यान दीजिए, इसको रखते हैं 100°C पे और इसको रखते हैं 0°C पे, यानी कि इसमें आइस भर देते हैं और इसमें बॉयल वाटर भर देते हैं। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके कारण जो है वो एक प्रकार का EMF फ्लो करने लगता है, और ये जो EMF फ्लो करता है उससे हम जो टेम्परेचर में वेरिएशन होता है उसका पता लगा लेते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर में पता लगाने के लिए इसमें जो फॉर्मूला होता है, देखिए वो फॉर्मूला होता है EMF इक्वल्स टू AT + BT² A और B जो हैं वो कांस्टेंट है ना, और E क्या है EMF, T क्या है टेम्परेचर, तो इसके हिसाब से जो है ना वो टेम्परेचर वेरी करता है EMF, जब टेम्परेचर वेरी करता है तो EMF का मान आ जाता है, और EMF के मान जब आता है तो हम पता लगा लेते हैं कि टेम्परेचर में वेरिएशन कितना रहा होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसकी रेंज के बारे में जान लेते हैं, देखिए तो रेंज क्या है, चलिए तो इसकी रेंज के बारे में जान लेते हैं। थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है, तो ये तीन प्रकार के थर्मोकपल के साथ बनाया जा सकता है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ। एक तो होता है आयरन और कॉपर, जैसा कि अभी हमने पीछे बनाया था, आयरन कॉपर थर्मोकपल, थर्मोकपल आप खुद लिख लेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आयरन कॉन्स्टेंटन, ठीक है, ये भी थर्मोकपल है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है टंगस्टन और मॉलिब्डेनम, ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है। पहला हो गया आयरन कॉपर, दूसरा हो गया आयरन कॉन्स्टेंटन, तीसरा हो गया टंगस्टन मॉलिब्डेनम, ठीक है, टंगस्टन ये ई है, ये ई होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, तो रेंज होती है पहले की होती है
जीरो डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस, ठीक है लिख देते हैं, जीरो डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस। आयरन और कॉन्स्टेंटन की क्या होती है, जीरो से 800 डिग्री, बिल्कुल सही, जीरो डिग्री से 800 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन मॉलिब्डेनम की क्या होती है, जीरो सॉरी ये होती है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की रेंज होती हैं, ये तीनों प्रकार के थर्मोकपल लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। अब अगले प्रकार का देखते हैं, तो देखिए जो अगली प्रकार का हमारा थर्मोमीटर है उसका नाम है पायरोमीटर, ठीक है। अब पायरोमीटर में टेम्परेचर का पता कैसे लगाते हैं, इसमें पता लगाते हैं रेडिएशन से, कैसे लगाते हैं रेडिएशन से, और रेडिएशन से कैसे लगाते हैं, तो इसमें हम यूज़ करते हैं स्टीफन्स लॉ का। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है, स्टीफन्स लॉ कहता है कि रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर की पावर 4, ये स्टीफन्स लॉ होता है। इसके अकॉर्डिंग जो है पायरोमीटर का निर्माण किया जाता है, स्टीफन्स लॉ इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। स्टीफन्स लॉ इसका प्रिंसिपल है, ये जो चीज़ सामने लिखी हुई है रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर पावर 4, यही स्टीफन्स लॉ है। इससे पायरोमीटर का निर्माण किया जाता है और इसकी रेंज ध्यान दीजिएगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, ठीक है। और देखिए 800 से नीचे की रीडिंग ये लेता नहीं है क्योंकि उसके लिए ये रेडिएशन कम है, ठीक है। तो ज़्यादा रेडिएशन के लिए ही जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें ऑब्जर्व किया जाता है कि रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितना है और वो टेम्परेचर की पावर 4 के सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए एक और प्रकार का थर्मोमीटर है उसको जान लेते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से आज थर्मोमीटर के बारे में अच्छी खासी जानकारी आपके पास पहुँच गई होगी। अच्छा ध्यान दीजिए कि ये जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। रेंज कितनी होती है, प्रॉपर्टी कौन सी है, अब जैसे अभी अभी मैंने बताया पायरोमीटर किस पे है, स्टीफन्स लॉ पे डिपेंड करता है, आ गया कि पायरोमीटर जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, आसानी से बता दीजिए स्टीफन्स लॉ पे, ठीक है। तो ऐसे पीछे आप देखेंगे इस पूरे वीडियो में ऐसे बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे आखिरी एक थर्मोमीटर है जिसका नाम है वेपर प्रेशर थर्मोमीटर, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, वेपर प्रेशर थर्मोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर थर्मोमीटर के बारे में जान लेते हैं, देखिए ये किस बात पे डिपेंड करता है, पहले ये समझ लेते हैं कि ऐसा बन क्यों गया। तो ये एक्चुअली क्या है ना, बहुत छोटी वैल्यूज़ को नापने के लिए इसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा छोटी वैल्यूज़ को नापने के लिए इसका प्रयोग होता है, इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो पीछे हमने रेजिस्टेंस थर्मोमीटर पढ़ा था ना, वो तब काम आता है जब वेरिएशन जल्दी जल्दी हो रहा हो, क्विक टेम्परेचर में जो क्विक चेंज होता है ना, तब हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर का, वो जो थर्मोकपल वाला था, याद रखिएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर थर्मोमीटर में एक रिलेशन के हिसाब से टेम्परेचर वेरी करता है, और टेम्परेचर वेरी कैसे करता है, याद रखिएगा, प्रेशर इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी टी प्लस सी बाई टी, याद रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से काम करता है। और ये सारे के सारे यहाँ पर
कांस्टेंट हैं, ए बी सी यहाँ पर कांस्टेंट है और टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। और ये छोटे टेम्परेचर्स को नापने के काम आता है, ये एक्चुअली लॉग पी रहता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, लॉग पी इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी बाई टी, इस तरीके से ये काम करता है। और ये छोटे टेम्परेचर को नापने का काम आता है, इसकी रेंज क्या होती है, 0.71 केल्विन से लेकर 120 केल्विन तक, ठीक है। इसकी रेंज क्या होती है, 0.71 केल्विन से लेकर 120 केल्विन तक। तो मेरे ख्याल से थर्मोमीटर्स को लेकर इतनी जानकारी काफ़ी थी। अब कल हम हीट के बारे में जानेंगे और आपके जो यूनिट में जो छोटी छोटी बातें बची हुई हैं, जैसे मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और कल से जो है फिटर का भी एक लेक्चर शुरू होगा, तो कल हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे रिविट, ठीक है, और रिविट के बाद हम आपको पढ़ाएंगे पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। कुछ चीज़ें हम रिवाइज करा रहे हैं, आराम से पढ़िए, इंजॉय करिए, ठीक है। थैंक यू।